दोस्तों, भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। इसी आवेश स्वभाव तथा प्रीत भक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमद अग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथे संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदों की ओर में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। एक बार परशुराम की माँ रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा मनोरंजन करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी मनोरंजन को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो गया तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमद अग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काटने का आदेश दे दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और माँ की हत्या का पाप लगता तो दूसरी और पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप, यह धर्म संकट था। लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं ही ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी माँ निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमद अग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेह पूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से तीन वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माँ को इस चीज की स्मृति ना रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमद अग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की माँ पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसे लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।